सो हेलो 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 गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गैस वापस से मैं आज का हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गैस जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैं दो तीन दिनों से टॉप 10 बेस्ट गन स्किन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने बनाया था EMP के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन, उसके बाद मैंने बनाया था M1887 के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन, उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया था स्कार के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन। तो गैस अब यहाँ पे बंदे मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन सारे गन स्किन का तो मतलब टॉप 10 गन स्किन हो गया, तो अब हमें M1040 का टॉप 10 बेस्ट गन स्किन चाहिए। तो गैस लो फाइनली आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं M1040 के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलने वाले हैं। और भाई तुम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे गेम कौन सा होने वाला है? तो गैस देखो यहाँ पे गेम होने वाला है कि एक झूठ बोलो। और गैस इस बार ऐसा वैसा झूठ नहीं कि यार तुम गरीना के CEO हो या तुम्हारे पास बहुत सारे डायमंड है, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना है। आज के वीडियो के अंदर तुम लोग को सच्चाई में जो तुम लोग को रियल जिंदगी में तुम लोगों ने झूठ बोला होगा, जैसे कि दोस्तों से बोलते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आज पार्टी नहीं दे पाऊंगा, या घर पे बोलते हो कि मेरा सर दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो गैस ऐसा कोई झूठ जो आप लोगों ने सच में बोला हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो गैस आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट पिकअप करूंगा मेरे अगले वीडियो के अंदर और गैस उस पर रिएक्शन दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट बॉक्स के अंदर एक ऐसा झूठ बोलो कि यार जो सच में झूठ हो, झूठा झूठ ना हो, मतलब कि यार सच में एक झूठ हो। मस्त प्लानिंग। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 के गन स्किन से। तो गैस यहाँ पर हमारे टॉप 10 पे आता है M1040 का डार्क अपोलो कैलीगन स्किन। और गैस ये वाला गन स्किन इनक्यूबेटर में आया था, जिसके अंदर आप लोग को डबल मैगजीन देखने के लिए मिलता है, सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, मगर यहाँ पर रिलोड स्पीड थोड़ा सा माइनस हो। तो गैस देखो अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के परफॉर्मेंस का, तो गैस ये वाला गन स्किन मैगजीन के मामले में भाई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन स्किन है। मतलब क्या इस गन स्किन के अंदर आप लोग को ज़्यादा मैगजीन देखने के लिए मिलेंगे, मतलब क्या सामने वाले बंदे के ऊपर धराधर फायर करते रहो, दो बुलेट आप लोग एक्स्ट्रा फायर कर सकते हो। नेक्स्ट आप बात करते हो अगर डैमेज का, तो सिंगल डैमेज होने के कारण ये वाला गन स्किन आप लोग को बॉडी के ऊपर और गैस हेड के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज निकाल के दे देगा। तो गैस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा सही गन स्किन है, काफी कमी बंदे के पास ये वाला गन स्किन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि गैस ये वाला गन स्किन आप लोग के पास है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है M1040 का ये इनहेंस आर्मर गन स्किन। और गैस ये वाला गन स्किन बिल्कुल फ्री में मिला है। जब ये वाला गन स्किन फ्री में मिला था तो गैस मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले थे और मैंने हर एक वीडियो के अंदर बोला था कि भाई आप लोग यही वाला गन स्किन लेना। तो गैस जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने ये वाला गन स्किन निकाला, और गैस अगर आप लोगों ने नहीं निकाला, मिस कर दिया, तो गैस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। जो भी कोई फ्री वाला गन स्किन मिलने वाला रहता है मैं उसका पूरा रिव्यू अपने चैनल पर देता हूँ और बताता हूँ भाई ये वाला गन स्किन सही है, गलत है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गैस देखो अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के परफॉर्मेंस का, तो भाई ये वाला गन स्किन रिलोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा निकाल कर देगा। आप लोग को पता है कि यार M1040 के अंदर रिलोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो आता है, तो ये वाला गन स्किन रिलोड की स्पीड आप लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट निकाल के देगा। प्लस यहाँ पे डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है, मतलब कि यार एक नॉर्मल M1040 के मुकाबले डैमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस गन स्किन का। अब बात करते हैं अगले गन स्किन का। तो गैस ये जो सिंपल सा आप लोग गन स्किन देख पा रहे हो डबल डैमेज इस गन स्किन के अंदर, तो गैस ये वाला गन स्किन भले से ही दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन स्किन है। इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, और गैस आप लोगों गेम के अंदर M1040 के बहुत सारे डबल डैमेज वाले गन स्किन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन गैस ये वाला गन स्किन आप लोग को सामने वाले बंदे को ऊपर 29 करके बॉडी डैमेज निकाल के देता है, और जितने भी सारे डबल डैमेज वाले गन स्किन है वो 27 से 28 बॉडी डैमेज निकाल के देते, बट यहाँ पे ये वाला गन स्किन 29 करके आप लोग को बॉडी डैमेज निकाल के देता है। तो गैस ये वाला गन स्किन दिखने से बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन गैस मेरे कहने पे अगर आप लोग ये वाला गन स्किन नहीं यूज़ करते हो तो इस गन स्किन को यूज़ करके देखना। इसके अंदर आप लोग 3 चिप लगा के इस गन स्किन को यूज़ करना, मतलब कि कसम से बहुत ही मज़ा आएगा। ये वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन स्किन है। सो नेक्स्ट गन स्किन हमारा M1040 का ये वेस्टलैंड गन स्किन। गैस इसके अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर डबल रेंज देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ फायर को सिंगल माइनस कर दिया। मतलब यार कुछ चीज़ अगर अच्छा देते हैं तो गैस यहाँ पर कुछ चीज़ बेकार भी देते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैस देखो इसके अंदर आप लोग को डैमेज अच्छा देखने के लिए मिलेगा 27 करके, इससे आप लोग को बॉडी डैमेज दे पाओगे सामने वाले बंदे के ऊपर। बात करता हूँ अगर इस गन स्किन की रेंज का, तो गैस देखो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग को एक नॉर्मल M10 के मुकाबले बहुत अच्छा रेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और गैस जैसा कि तुम लोग को पता है कि यार M1040 के अंदर रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रेट ऑफ फायर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर आप लोग को रेंज तो अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ फायर का यहाँ पे इन्होंने बैंड बजा के रखा है। इसके अंदर आप लोग को सिंगल रेट ऑफ फायर माइनस में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत कमी महसूस होगा इसके रेट ऑफ फायर में। बट यहाँ पर अगर रेंज का बात करता हूँ, तो कैसे यहाँ पर सिंगल रेंज मतलब डबल रेंज होने के कारण अगर आप लोग सामने वाले बंदे से थोड़ा सा दूरी बनाकर फायर करते हो, तो कैसे ये वाला गन स्किन आप लोग को बहुत तगड़े हेड निकाल के देगा, बट यहाँ पर आप लोग को अच्छे से ड्रैग करना आना चाहिए। तो कैसे देख सकते हो ड्रैग करोगे तो भाई बहुत तगड़े यहाँ पर रेट नंबर देखने के लिए मिलेंगे थोड़े से रेंज में भी।
और गाइस अब यहाँ पे आता है M1040 का सबसे ज़्यादा फेवरेट गन स्किन वायलेट टेरर गन स्किन, जिसके अंदर आप लोग को एक एट्रीब्यूट देखने के लिए मिलता है बस, यहाँ पे रेट ऑफ फायर सिंगल अप में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस आप लोग में से जितने बंदों को पता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि गाइस ये वाला गन स्किन जब गेम के अंदर आया था गाइस बहुत ज़्यादा फेमस गन स्किन था। और आप लोग को पता होगा एक यूट्यूबर है सुदीप सरकार नाम का, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, एक टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेयर रह चुका है मेरा। तो गाइस ये वाला गन स्किन वो बंदा बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, मतलब क्या उस टाइम का M10 बहुत बोला जाता था सुदीप सरकार, लेकिन गाइस आज तक उसका नाम कम हो गया। लेकिन गाइस तब पर भी यहाँ पे इस गन स्किन को लेके उस बंदे ने बहुत ज़्यादा हिट्स और कॉन्टेज बनाए थे। अगर आप लोग चाहो तो उसके पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हो, अधिकतर वीडियो में आप लोग को यही M1040 का गन स्किन देखने के लिए मिलेगा। बात करता हूँ अगर इस गन स्किन के एट्रीब्यूट का, तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोग को एक एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, वो भी रेट ऑफ फायर सिंगल अप में देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को कुछ भी माइनस में देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके अंदर आप लोग को मैगजीन, रिलोड स्पीड, डैमेज, रेंज सब नॉर्मल में देखने के लिए मिलेगा। रेट ऑफ फायर यहाँ पे बट काफी ज्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब कि यार एक नॉर्मल M1040 से तो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। और गाइस जब आप लोग इस गन स्किन के अंदर 3 चिप लगा के यूज करोगे तो भाई ये वाला गन स्किन आप लोग को बहुत तगड़े हेडशॉट निकाल के देने वाला है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि भाई ये वाला गन स्किन आप लोग के पास है या नहीं। और गाइस एक और बात, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो गाइस इसका मतलब मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि आप लोग को रोक के रखा हुआ है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूं यार, मुझे भी आप लोग सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत रहता है, तो गाइस प्लीज मुझे भी सपोर्ट करना, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना। तो चलो अब बात करते हैं अगले गन स्किन का। तो गाइस यहाँ पर टॉप 5 पे मैंने रखा है M1040 के इस ग्रीन अपोलो कैली गन स्किन को, जो कि यार इनक्यूबेटर के अंदर आया हुआ था, जिसके अंदर आप लोग को सिंगल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, डबल यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिलता है, और गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले कहा था यार, गन्ने वाले कुछ अच्छा देते हैं तो कुछ बेकार भी दे देते हैं, मतलब यार इस गन स्किन के अंदर यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिल जाता है। और गैस सच में अगर मैं बोलूँ तो गैस देखो यहाँ पे M1040 के अंदर रेंज और गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गैस यहाँ पे इसके अंदर तो आप लोग को रेंज काफ़ी ज़्यादा ओपी देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के रिलोड स्पीड का, तो गैस देखो तुम लोग का तो पता नहीं, लेकिन गैस मुझे यहाँ पे आदत है कि गैस मैं जब भी M1040 को यूज़ करता हूँ मैं अधिकतर टाइम रिलोड करने लगता हूँ, तुरंत फायर करता हूँ 3-4 बुलेट और गैस तुरंत रिलोड करने लगता हूँ। और गैस वहाँ पे कभी कभी बंदा मुझे मार के चला जाता है रिलोड स्पीड, अगर सिंगल माइनस वाला गन स्किन में यूज़ कर रहा हूँ तो गैस इसलिए यहाँ पे M1040 के अंदर रिलोड स्पीड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इसके अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है, तो गैस इसलिए ये वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के टॉप 5 पे आता है। अब हमारा अगला गन स्किन है M1040 का, ये अटैक ऑन टाइटन। गैस ये वाला गन स्किन आप लोग को याद होगा बहुत दिनों पहले हमारे गेम के अंदर आया था, और गैस वापस से फिर से कभी रिटर्न में भी नहीं आया, स्टोर के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि यार काफी कम बंदों के पास तुम लोग को ये वाला गन स्किन देखने के लिए मिलेगा। और गैस इसके अंदर आप लोग को 2 प्रकार के डैमेज देखने के लिए मिलता है, मतलब कि यार बॉडी के ऊपर भी डैमेज दे सकते हो और गैस यहाँ पे वेस्ट के ऊपर भी डैमेज दे सकते हो, मतलब कि यार ये वाला गन स्किन M1040 का पहला ऐसा गन स्किन है जिसके अंदर डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, सिंगल आर्मर पेंटन भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि बॉडी के ऊपर भी खतरनाक डैमेज दे पाओगे और गैस वेस्ट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज दे पाओगे। बवाल चीज है भाई। तो गाइस देखो यार गन स्किन तो मानता हूँ काफी ज्यादा बवाल है, बट यहाँ पे इसके अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस दे दिया गरीना वालों ने। और गाइस मैंने आप लोगों को अभी बोला कि रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो गाइस यहाँ पे वाला गन स्किन रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने के कारण ही हमारे लिस्ट के थोड़ा सा नीचे आता है। तो नेक्स्ट गन स्किन हमारे M1040 का ग्रीन फ्लेम ड्रैको गन स्किन, जो कि आता है टॉप 3 पे। ये क्या बात करता है यार। तो गाइस देखो मुझे यहाँ पे पता है कि बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लेम ड्रैको गन स्किन को टॉप 3 पे क्यों रख दिया। तो गैस इसका रीजन मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो को तो यहाँ तक देखो पहले। तो गैस देखो अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो इसके अंदर आप लोग को सिंगल डैमेज देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गैस देखो मैं यहाँ पे सिंपल से ये कहना चाहता हूँ यार, इस गन स्किन के अंदर रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है, तो गैस इसलिए ये वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के टॉप 3 पे है। अच्छा तो गैस देखो यहाँ पे नो डाउट कि यार M1040 का ये न्यू ईओ गन स्किन डैमेज और रेट ऑफ फायर के मामले में काफी ज्यादा बेहतरीन गन स्किन है, बट यहाँ पे इस गन स्किन को बहुत ज्यादा वीक कर देता है इस गन स्किन का रिलोड स्पीड। अगर आप लोग M1040 के अंदर 3 चिप लगा के यूज करते हो किसी डबल रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन को, तो डबल रेट ऑफ फायर वाला भी गन स्किन सामने वाले बंदे को 3 या 4 बुलेट में नॉक कर देगा, ये वाला भी गन स्किन 3-4 बुलेट में नॉक कर देगा, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग दोनों के रिलोड स्पीड को चेक करोगे, गैस यहाँ पे रिलोड स्पीड इसके अंदर बहुत ज्यादा माइनस है, जिसकी वजह से
गेम के अंदर बहुत बार दिक्कत होता है। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले कहा था, मुझे आदत है तुरंत फायर करो, तुरंत रिलोड करो, और गैस यहाँ पे इस गन स्किन की रिलोड स्पीड के कारण मैं बहुत बार मारा जा चुका हूँ। बात तो सही है। तो भाई बस यहाँ पे इस गन स्किन को टॉप 3 पे रखने का यही एक मेन रीजन है कि गैस इसके अंदर आप लोग को रिलोड स्पीड थोड़ा सा स्लो देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करता हूँ टॉप 2 के गन स्किन का। तो गैस देखो, मैंने यहाँ टॉप 2 पे दो गन स्किन को रखा है। पहला आता है हमारा ये इंक्यूबेटर का रेड अपोलो कैली गन स्किन, और गैस दूसरा आता है हमारा M1040 का ये जो न्यू गन स्किन है, ब्लू वाला गन स्किन आप लोग को आर्मर स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करता हूँ अगर दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो गैस देखो यहाँ पे दोनों गन स्किन के अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे आप लोग को मैगजीन सॉरी यहाँ पे रिलोड स्पीड भी सिंगल प्लस में देखने के लिए मिलता है। सिंगल प्लस में, माइनस में नहीं, सिंगल प्लस में देखने के लिए मिलता है। तो गैस इसीलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों गन स्किन को M1040 के ग्रीन फ्लेम ड्रैको वाले गन स्किन के ऊपर रखा, क्योंकि गैस इसके अंदर आप लोग को रिलोड स्पीड थोड़ा सा फास्ट देखने के लिए मिलता है, रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे अधिकतर M1040 के इस रेट अपोलो कैली वाले गन स्किन को ही यूज़ करता हूँ, और इस गन स्किन से भाई बहुत तगड़े हेड लगते हैं। इस गन स्किन के अंदर आप लोग 3 चिप लगा के सामने वाले बंदे को 3 बुलेट में ही बहुत ईजिली नॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिलोड भी आप लोग बहुत जल्दी कर पाओगे। मतलब कि थोड़ा सा फायर करो, तुरंत रिलोड करो, और फिर से सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करो। मस्त प्लान है। तो गाइस चलो अब फाइनली हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 1 के गन स्किन के बारे में। मुझे पता है यार, बहुत बेसब्री से तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि टॉप 1 पे कौन सा गन स्किन होगा। तो गाइस यहाँ पर टॉप 1 के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो यार मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत रहता है। तो गाइस फाइनली हमारे टॉप 1 पे आता है M1040 का ये 2.0 गन स्किन, यानी गैस ये स्कॉर्पियो सेल्टर गन स्किन, और गैस इसके अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल यहाँ पे आप लोग को आर्मर पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा, और गैस माइनस में मूवमेंट स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। तो गैस देखो ये वाला गन स्किन अच्छा इसलिए क्योंकि गैस यहाँ पे पहले तो बात इसके अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर डबल देखने के लिए मिलता है, ऊपर से यहाँ पे रेट ऑफ फायर के साथ साथ आप लोग को आर्मर पैटर्न भी देखने के लिए मिलता है, यानी गैस यहाँ पे आर्मर पैटर्न से आप लोग वेस्ट के ऊपर अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो। रेट ऑफ फायर होने के कारण सामने वाले बंदे के सर को आप लोग लाल टमाटर बना सकते हो। तो गैस ये वाला गन स्किन M1040 का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल गन स्किन है, क्योंकि गैस इसके अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर के साथ साथ डैमेज भी देखने के लिए मिलता है, और गैस इसके अंदर आप लोग को मूवमेंट सिंगल माइनस में देखने के मिलता है। तो गैस इसके अंदर मूवमेंट सिंगल माइनस होने से गेम के अंदर तो उतना ज्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, अगर रेंज माइनस होता है या रिलोड स्पीड माइनस होता है तो गैस उसका बात अलग होता है, लेकिन गैस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा अच्छा गन स्किन है, M1040 का काफी ज्यादा बेस्ट गन स्किन है। तो गैस कमेंट बॉक्स में बताना कि गैस ये वाला गन स्किन तुम लोग पास है या नहीं। तो गैस लो ये थे हमारे M1040 के टॉप 10 बेस्ट गन स्किन, और गैस अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि गैस आप लोग पास M1040 के टोटल कितने गन स्किन है। और गैस एक और बात कि गैस यहाँ पे आप लोग को झूठ बोलना है अगर आप लोग गेम खेलना चाहते हो अच्छे से, और गैस अगर आप लोग चाहते हो कि गैस मैं आप लोगों के कमेंट को पिकअप करूँ और गैस रिएक्शन दूँ, तो गैस आप लोग जाओ और एक सच में झूठ बोलो जो कि यार वाकई में झूठ हो, आप लोग के कमेंट को मैं उठाऊंगा और गैस अगले वीडियो के अंदर रिएक्शन दूंगा। तो गैस चलो फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो गैस देखो मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा जरूरत रहता है, तो गैस प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना। तो गैस चलो फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।